नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। नजर डालेंगे 5 मिनट में 25 खबरों पर। उत्तराखंड के जोशीमठ के रेणी में ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मची। तपोवन में पावर प्रोजेक्ट और कई लोगों के बहने की सूचना। राहत और बचाव का काम जारी। ग्लेशियर टूटने को लेकर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट किया। ट्वीट में कहा, चमोली जिले से एक आपदा की सूचना मिली है। जिला प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभागों को स्थिति से निपटने के लिए निर्देश दिया गया है। किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दे, सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। ग्लेशियर बहने से भारी तबाही की आशंका। मदद के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 1070 या फिर 9557444486 पर कर सकते हैं संपर्क। चमोली त्रासदी के बाद परिस्थितियों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के संबंधित विभागों और अफसरों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा। सीएम ने कहा है कि हालात पर मुस्तैदी के साथ पूरी नजर रखी जाए। इतना ही नहीं, एसडीआरएफ को भी अलर्ट किया गया है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार से नाराज एक किसान ने फांसी लगाई। मृतक करमवीर के पास से एक सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट पर लिखा है कि सरकार तारीख पर तारीख दे रही है, पता नहीं कब ये काले कानून को रद्द किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर 12 और 13 फरवरी को राजस्थान जाएंगे। राहुल केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में भी शामिल होंगे। देश में किसान 2 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर कृषि बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसानों के पक्ष में कोई सुनवाई नहीं होने पर किसानों का प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। इसी क्रम में मऊ जिले के कलेक्ट्रेट सभाघर में भारतीय कम्युनिटी पार्टी ने किसानों के समर्थन में एक विशाल रैली निकालकर किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। साथ ही राष्ट्रपति को सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से इस काले कानून को वापस लेने की मांग की। जालौन में खुलेआम पुलिस की जानकारी में जुए का खेल खेला जा रहा है। रोजाना कई गांवों के लोग जुआ खेलने के लिए पहुंचते हैं, जिसके बाद परेशान होकर जुआ खेले जाने का वीडियो ग्रामीणों ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जालौन के चुरखी थाना क्षेत्र के अटरा कला का ये वीडियो बताया जा रहा है। मेरठ के कोतवाली बुढ़ाना गेट के पास युवक की पहले पीट पीट कर हत्या की गई और उसके बाद उसकी पहचान छुपाने के लिए उसके शव को जलाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मात्र 4 घंटे के अंदर ही इस घटना का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए दोनों आरोपी मृतक के दोस्त बताए गए। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां एक भू माफिया ने साजिश कर वृद्ध किसान को राशन कार्ड, सरकारी आवास और वृद्धा पेंशन दिलवाने के झांसा देकर फर्जी तरीके से जमीन हड़प ली। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मीरनपुर गांव का है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अमरोहा में युवक को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। गजरौला थाना क्षेत्र के गाँव चकी खेड़ा के धनोरा मार्ग का ये पूरा मामला है। कानपुर में एसटीएफ और कानपुर पुलिस की टीम को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ ने तस्करी कर लाए गए 1300 कछुए बरामद किए। ये तस्कर इटावा और मैनपुरी से इन कछुओं को पकड़कर बेचने जा रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ये कामयाबी हासिल की। सिंगरौली बीजेपी कार्यालय में आयोजित पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच संभागीय संगठन मंत्री श्याम महाजन ने बीजेपी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी के प्रोटोकॉल का सभी कार्यकर्ता पालन करें, वरना जो भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बदायूं के डोडा तस्कर और गैंगस्टर नजमुल ने अपनी काली कमाई से 19,88,00,000 रुपए की संपत्ति अर्जित की थी। प्रशासन ने इस संपत्ति का आंकलन कर संपत्ति सील किए जाने की घोषणा की। कौशाम्बी में चरवा थाना क्षेत्र के अरई गांव के पास बाइक सवार अनियंत्रित होकर लोहे के बोर्ड में टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठा बुजुर्ग गंभीर घायल हो गया। सिंगरौली में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान बिल को लेकर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सूर्य द्विवेदी ने किसानों के समर्थन में दिल्ली में 9 फरवरी को शामिल होने की जानकारी देने के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। मेरठ में मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 के दौर में कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभाने वाले मेडिकल कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए जॉब से निकाल दिया गया, जिसके बाद तमाम कर्मचारी जिलाधिकारी आवास पहुंचे और अपनी गुहार लगाई। हाथरस में अलीगढ़ आईजी पीयूष मोडिया और एसपी विनीत जायसवाल के निर्देशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस के चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों से 53 किलो अवैध गांजा, 1 कंटेनर, 2 स्मार्टफोन बरामद किए गए।
दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए लखनऊ में एक बैठक की गई। बैठक में मंडल आयुक्त मेरठ, जिलाधिकारी मेरठ एवं गाजियाबाद, उपाध्यक्ष मेरठ एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, नगर आयुक्त मेरठ और गाजियाबाद की तरफ से NIC वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। मुजफ्फरनगर में डॉग स्क्वाड में ASP के पद पर तैनात टिंकी को मुजफ्फरनगर पुलिस ने श्रद्धांजलि दी है। पुलिस लाइन में फीमेल डॉग टिंकी की प्रतिमा लगाई गई। टिंकी ने लूट, चोरी और हत्या के 49 केसों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई थी। देश में कोरोना के मामले में गिरावट और बढ़त का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 12,059 नए मामले सामने आए, जबकि लंबे समय के बाद मृतकों का आंकड़ा 100 से भी कम रहा। एक्ट्रेस सनी लियोनी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। केरल में अपने परिवार संग छुट्टियां एंजॉय कर रही सनी पर 29 लाख के फ्रॉड का एक गंभीर आरोप लगा है। इस सिलसिले में केरल क्राइम ब्रांच ने एक्ट्रेस से पूछताछ भी की। सबको दीवाना बनाने वाले शहनाज ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया। वीडियो में शहनाज, प्रीति जिंटा और ऋतिक रोशन की फिल्म मिशन कश्मीर का पॉपुलर गाना बुमरो बुमरो पर शानदार डांस करती नजर आई। उत्तराखंड के हरिद्वार में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। कुंभ स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मेला पास जारी किए जाएंगे। बिना पास के किसी को भी कुंभ मेले में नहीं मिलेगी एंट्री। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड और कोहरे से लोगों को राहत मिली। शीतलहर का असर कम होने से तापमान में बढ़ोतरी हुई। दिल्ली की एयर क्वालिटी भी बढ़ी। 5 मिनट 25 खबरों में बस इतना ही, लेकिन और खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।